दोस्तों चलिए आज हम कैमरा एक्सेसरीज के लिए हम लोग फुल प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे कि हम लोग अगर एक कैमरा मैन है तो हम लोग के पास क्या क्या कैमरा के लिए मैंने प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट है, जो हम एक कैमरा मैन या फिर वीडियो रिकॉर्डर है जो या फिर फोटो शूटर है, तो हम लोग उसके लिए हम लोग क्या क्या आवश्यक हो सकता है, जैसे कि लेंस कौन सा, बैग कौन सा, स्टैंड कौन सा, मेमोरी कौन सा, माइक कौन सा, आज इन सभी प्रोडक्ट सबका रिव्यू करेंगे एक एक करके। दोस्तों आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के लिए चले नए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं ये कैमरा के सारा प्रोडक्ट यहां पर रखा हुआ है। दोस्तों हम लोग एक एक करके रिव्यू करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये निकोन का 5300D कैमरा बॉडी है। इसका रोटेशन डिस्प्ले इस प्रकार का है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको फ्लैश के लिए लाइट लगाने का भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये उसका कैप है। और दोस्तों ये आप देख रहे जो कैमरा के साथ एक किट लेंस आता है, जो ये 1855 का है, ठीक है। जो इसका यहाँ पर बटन दिया है, जो VR ऑन ऑफ कर सकते हैं, फोकस ऑटो फोकस भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये है जो 70-300 लेंस है, ठीक है, कैमरा का, जो इसमें किसी दूर का फोटो क्लिक करने का सुविधा होता है। ये आप देख रहे हैं 70-300 तक का है, ठीक है। तो दोस्तों साथ में एक कैमरा मिलेगा आपको जो अच्छा कंपनी का निकोन का, ठीक है। उसके साथ दोस्तों आपको एक ये बैटरी भी मिल रहा है, ठीक है ना। दोस्तों आपको वहाँ पर एक सैमसंग का एक चीप मेमोरी का 128 का मेमोरी है। उसके बाद दोस्तों एक कैप है, जो यहाँ पर इस प्रकार से लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से लग जाता है और आपका कैमरा का क्वालिटी थोड़ा देखने में मजा आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये एक कैप, यह जो स्टैंड कैप के लिए दिया हुआ है, इसको यहाँ पर इस प्रकार से लगा सकते हैं।